वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मल रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले स्मैकडाउन स्पॉयलर्स के बारे में, क्योंकि भाई स्मैकडाउन से रिलेटेड मतलब नेक्स्ट वीक का सारा स्पॉयलर देखने को मिल चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर जिस किसी को स्किप करना होगा तो वीडियो का स्टार्टिंग का पार्ट स्किप कर सकते हो। और द रॉक क्या कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं, करते हुए दिखाई देते हैं स्मैकडाउन के ऑफ एयर के अंदर, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड इवन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम लोग WWE के, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट को लेकर, जो कि डीन एम्ब्रोस से रिलेटेड था आज के स्मैकडाउन के। तो काफ़ी कुछ अपडेट्स होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो गाइस सब्सक्राइब, लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। बाकी चलते हैं हम टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक की शुरुआत करते हैं स्मैकडाउन के स्पॉयलर से। अभी भी कह रहा हूँ जिसको स्किप करना स्किप कर सकते हो, बाकी स्टार्ट करते हैं। तो स्मैकडाउन का स्पॉयलर शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेक्स्ट आप लोग को दिखा दूंगा, आप लोग टेक्स्ट देख के ऑब्वियसली बहुत सारे स्पॉयलर्स समझ सकते हो। और कुछ फोटोज़ मेरे पास ज़्यादा नहीं है तो मैं एक दो फोटोज़ बस दिखा सकता हूँ, बाकी चलते हैं। तो ट्रिफनी स्टैटस का मैच हमें देखने को मिलता है लिव मॉर्गन के साथ में, और डेफिनेटली लिव मॉर्गन को यहाँ पर टिफनी हराते हुए दिखाई देती है। तो ये मेरे लिए थोड़ा बहुत शॉकिंग था, मतलब लिव मॉर्गन जैसी एक लेजिट पुरानी सुपरस्टार को एक नई सुपरस्टार हरा के चली गई। बाकी अगले मैच की बात कर ले तो ये मैच हमें ब्रॉन ब्रेकर का देखने को मिलता है, जो कि होता है डांटे चेन के साथ में। भाई ये बंदा भी NXT के अंदर से WWE के स्मैकडाउन में आ गया, सही है। ब्रॉन ब्रेकर डिफीट कर देते डांटे चेन को। भाई ये डांटे चेन को तो किसी ने देखा भी नहीं रहेगा स्मैकडाउन के अंदर, और इसको यहाँ पर मैच हरवाया जा रहा है, सही है। बाकी अगला हमें यहाँ पर देखने को मिलता है हाइप वीडियो, जो कि होता है भाई सेड्रिक अलेक्जेंडर का और अंड्राडे का। आई होप कि इसके लिए WWE स्टोरीलाइन कुछ और भी बड़ा प्लान करे, क्योंकि हाइप से कुछ ज़्यादा काम नहीं चलने वाला। एंड इसके बाद हमें एक और सेगमेंट देखने को मिलता है, जो कि बैकस्टेज सेगमेंट होता है ब्लड लाइन का, जहाँ पर उनकी तरफ से वही जो चीज़ें देखने को मिलती है, ब्लड लाइन और जो पीट डन टैलर बेट है इनका जो मैच है वो भी देखने को मिलता है, जहाँ पर पीट डन एंड टैलर बेट डिफीट करते हुए दिखाई देते हैं जजमेंट डे को। और जजमेंट डे के अंदर कौन था, डोमिनिक मिस्टेरियो और JD मैकडोना, तो ये तो हार नहीं थे। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ऑथर ऑफ पेन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर एक्मेन रेजर इनका मैच देखने को मिलता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ में, और एक्मेन रेजर ने जो कि हरा भी दिया है भाई द स्ट्रीट प्रॉफिट्स को, तो ये भी शॉकिंग है। मतलब तुम देख सकते हो स्ट्रीट प्रॉफिट्स की क्या इज्जत रह गई है। और एलन नाइट का मैच हमें देखने को मिल रहा है, जो कि है ड्रू मैकइंटायर, मतलब एलन नाइट एंड ड्रू मैकइंटायर जो है, ये जो मैच देखने को मिलता है ये बेसिकली एलिमिनेशन चेंबर के हाइप के लिए था, क्योंकि अगला हफ्ता हमें एलिमिनेशन चेंबर जो है वो देखने को मिलेगा, तो जिस वजह से स्मैकडाउन टेप्ड होने वाला है नेक्स्ट वीक का। और तो ये हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है, जहां पर एलन नाइट ड्रू मैकइंटायर इन दोनों का मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता है, जिसके बाद रैंडी ऑर्टन आके अटैक करते हैं और ओवरऑल पूरा ब्रॉल ही ब्रॉल देखने को मिलता है शो के अंदर। बाकी ठीक ठाक है यार, मतलब आप लोग क्या कहना चाहोगे स्मैकडाउन के स्पॉयलर को लेकर, 3 मिनट तक वीडियो खींच ले गया, बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता सकते हो। एंड चलते हैं फिर अपने अपडेट्स की तरफ। वैसे बात कर लेते हैं ये स्मैकडाउन के ऑफ एयर को लेकर, तो स्मैकडाउन का जो ऑफ एयर देखने को मिलता है यहाँ पर हमें द रॉक देखने को मिलता है। भाई खिसियाई बिल्ली लगता है भाई और द रॉक भाई फालतू में सेगमेंट्स ऐसे देते हुए दिखाई देता है, बट ठीक है कोई भी है द रॉक अपना ही बंदा है। वैसे द रॉक हमें यहाँ पर क्या कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, मैं वीडियो तो नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत सारे बच्चलन यूट्यूबर हैं जो कॉपीराइट मार देते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। तो यहाँ पर द रॉक स्मैकडाउन ऑफ एयर में थोड़ा बहुत गुस्सा होते हुए दिखाई देते हैं, अब इनके चेहरे के इंप्रेशन से आप लोग देख सकते हो। अरे भाई ये बंदा द रॉक है, हॉलीवुड रॉक हम सभी लोग जानते हैं, भले से उस टाइम पे पैदा नहीं हुए रहेंगे लेकिन फिर भी हमने यार 2002 के सेगमेंट्स तो भाई 2024 में देख रखे हैं, और द रॉक कैसी हरकतें करते थे वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सामने क्राउड वाला बंदा इनको चिढ़ाने की कोशिश करता है, और यहाँ पर द रॉक भाई जैसे बुढ़ऊ लोग गुस्सा होते हैं ना वैसा कुछ हमें यहाँ पर द रॉक की तरफ से देखने को मिलता है। बाकी मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, इंप्रेशन तो आप लोग देख ही सकते हो। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट भाई रोमन रेंस से रिलेटेड है, तो रोमन रेंस का एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है बैक स्टेज का बेसिकली था, जहाँ पर बार बार मतलब ट्रिपल एच जैसे द गेम का मेंशन करते हुए दिखाई देते हैं, ट्रिपल एच को लेकर मेंशन करते हुए दिखाई देते हैं। बेसिकली उनका पॉइंट यहां पर डिसीजन को लेकर था, लेकिन बीच बीच में ट्रिपल एच को लेकर भी टीज था। तो क्या भाई यहां पर ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर ट्रिपल एच भी टांग अड़ाते हुए दिखाई दे सकते हैं द रॉक रोमन रेंस कोडी रोड्स के सेगमेंट्स के बीच में? आई थिंक ये होना चाहिए, और ट्रिपल एच को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लेना ही चाहिए। मतलब एक्शन तो भाई ट्रिपल एच की तरफ से देखने को मिला है, इवन ट्रिपल एच ने काफ़ी कुछ कह भी दिया है कि भाई कोई डिसीजन चेंज नहीं कर सकता, तो मे बी बहुत सारी चीज़ें हो सकती आने वाले समय में। तो रोमन रेंस इसी को लेकर बेसिकली टीज करते हुए दिखाई देते हैं। एंड बात कर लेते हैं वैसे अगले अपडेट के बारे में, तो ये अपडेट रे मिस्टीरियो से रिलेटेड है, तो रे मिस्टीरियो का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा क्लोज है।
आई नो मतलब रॉयल रमल में देखने को मिलना चाहिए, बट वहाँ पर नहीं देखने को मिला क्योंकि जो इनकी इंजरी थी, मतलब नी इंजरी जहाँ तक मुझे पता है कि उनके पैरों के घुटनों में इंजरी हो गई थी, तो जिस वजह से उनको कम से कम दो महीने ज़्यादा हो गए रहेंगे, तो तब से उनको बाहर रहना पड़ेगा था। तो होप सो, लेट्स सी रे मिस्टीरियो रिटर्न करते तो क्या कुछ देखने को मिलता है। भाई उनको LW वाले स्टोरी लाइन से हटाओ या तो इनको रिटायरमेंट कर दो, नहीं तो मतलब बहुत बेकार लगता है इनको देख के वैसे तो इनके फालतू सारी स्टोरी लाइन्स के अंदर, क्योंकि रे मिस्टीरियो डिजर्व करते हैं बेटर और अच्छा खासा रिटायरमेंट बैच दे के रिटायरमेंट कर दो फिर, नहीं तो। बाकी बात कर लेते हैं वैसे डीन एम्ब्रोस के बारे में, अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं करेगा मैं नोटिस करवाने वाला हूँ। तो डीन एम्ब्रोस यानी कि जॉन मॉक्सली, जो कि राइवल कंपनी के अंदर यानी कि दुश्मन कंपनी में, जहाँ पर डीन एम्ब्रोस का मेंशन देखने को नहीं मिला आज का WWE का जो भी पूरा सेगमेंट देखने को मिला। अगर आप लोगों को पता होगा WWE यहाँ पर जो प्रोमो पैकेज दिखाते हुए दिखाई देती है जिसमें द शील्ड का भी मेंशन देखने को मिलता है, सेथ रॉलिंस रोमन रेंस का मेंशन है, तो भाई द शील्ड का मेंशन होगा ही, और द शील्ड का मेंशन होगा तो भाई डीन एम्ब्रोस का मेंशन होना बनता है। बट यहाँ पर WWE जितने भी द शील्ड के फुटेज यूज करते हुए दिखाई देती है उसमें सब फुटेज में डीन एम्ब्रोस को क्रॉप कर दिया जाता है। तुम सोच रहे हो डीन एम्ब्रोस को क्रॉप करने की कोशिश करती है, मतलब WWE यहाँ पर पूरी नाकाम कोशिश कर रही है कि भाई डीन एम्ब्रोस को लोग भूल जाए, लेकिन ऐसे कैसे कोई भूल सकता है, डीन एम्ब्रोस कैसे भूल सकते हैं। बट यहाँ पर वो चीज़ें WWE इनको मिटाने की कोशिश करती है, और हमेशा से वो पास्ट में हमें चीज़ें देखने को मिली है, और अभी आज के स्मैकडाउन के अंदर भी सेम वही चीज़ देखने को मिली, जहाँ पर WWE स्मैकडाउन के अंदर डीन एम्ब्रोस को, मतलब शील्ड के बंदे थे भाई तो यहाँ पर डीन एम्ब्रोस को लाना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, बट वो टेलीविज़न पे नहीं दिखाते। तो ये कुछ ओवरऑल देखने को मिलता है। मुझे लगता है भाई विंस मैकमैन ही ऐसे हरकतें करता है, लेकिन ये TKO वाले भी ऐसी हरकतें करते हैं। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है इन सारे अपडेट्स को लेकर कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने RKO था लगाया।